मेरे आसपास आप पहाड़ियां देख रहे हैं, यहां से बहुत दूर नहीं है वो LAC, वो जगह जहां पिछले कई महीनों से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। लद्दाख की आबोहवा बता रही है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लद्दाख की धरती पर आकर और फिर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ साफ कह चुके हैं कि चीन की विस्तारवादी नीति की दुनिया में कोई जगह नहीं है। तो फिर वो चीन जो लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर नापाक नजर रखता है, हर सूरत में आगे बढ़ने पर आमादा है, उस चीन के साथ ऐसा क्या किया गया, ऐसा क्या किया जाने वाला है कि कभी भी अब चीन हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। आपको हम दिखाएंगे कि इन वादियों के लिए, इन पहाड़ियों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की क्या रणनीति है। देखिए टेली सीरीज चीता रूल ऑफ लिमिटेड वॉर के इस एपिसोड में यलगार अक्रॉस द बॉर्डर। LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। देश क्या कर सकता है, लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। समय की कलम से इन वादियों में नया इतिहास लिखा जाने वाला है। ये इतिहास लिखा जाने वाला है कि एक अहंकारी का नशा इन वादियों की धूसर धरती में खाक हो गया। पटकथा लिखी जा चुकी है, साजो सामान मुकम्मल हो चुके हैं, क्योंकि सब्र की हद और मुल्क के स्वाभिमान का इम्तिहान हो चुका है। लद्दाख की धरती पर दुश्मन चीन की गद्दारी इंतहा पार कर चुकी है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। सात सितंबर 2020 मुखपारी लद्दाख, घना अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा था, बेजान पहाड़ों पर आलस पसरा था, मगर इन विकराल पहाड़ों पर कुछ चौकस निगाहें किसी अनहोनी का इंतजार कर रही थीं। वो अनहोनी किधर से आती है, कैसे आती है, कब आती है, ये पता ना था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए 25 से 30 दुश्मन सामने आ गए। उनके हाथों में बर्छा था, बल्लम था और दूसरे धारदार हथियार, जिन्हें चाइनीज भाषा में गुआन डाओ कहते हैं। ये अनहोनी होनी ही थी, हो गई और साबित कर गई कि लद्दाख में LAC पर कौन उकसा रहा है और कौन किससे युद्ध के लिए आमादा है। इसी माहौल में 7 सितंबर की रात बीती और बात दिल्ली तक पहुंच गई। चार सितंबर 2020 रेजिनला चुशूल। मई के महीने से लद्दाख के LAC पर आक्रामक चीन अपनी हद में कैसे जाए, क्यों ना चीन को बारूदी जुबान में मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए उधर रूस की राजधानी मॉस्को में भारत और चीन के रक्षा मंत्री बातचीत की मेज पर थे और इधर चुशूल सेक्टर के रेजिनला दर्रे पर ड्रैगन भारतीय सीमा की तरफ आगे बढ़ रहा था। हड़प की हवस ड्रैगन को रेजिनला दर्रे तक खींच लाई थी।
लेकिन भारतीय फौज के फौलादों ने रेड आर्मी को हद में रहने पर मजबूर कर दिया। 29-30 अगस्त, ब्लैक टॉप, पेंगोंग दक्षिण। चीन की फौज हैवी आर्टिलरी के साथ ब्लैक टॉप की तलहटी तक पहुंच चुकी थी। ड्रैगन आर्मी का इरादा ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जा करने का था, लेकिन 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लैक टॉप किया। ये युद्ध की मुनादी थी जिसे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF के जवानों ने अंजाम दिया। ये कदम युद्ध की तरफ भारतीय सेना का कूच था। गाड़ियों का यह दृश्य बयां कर रहा है कि कुछ होने वाला है, वरना फौज की पलटन इस तरह लद्दाख की वादियों की फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ प्रस्थान नहीं कर रही होती। ये इंतजामात नहीं होते, हॉविजदर तोपें ना आती, चिनूक और अपाचे लद्दाख की पहाड़ियों की ऊंचाइयां ना नाप रहे होते, फाइटर जेट ना तैनात होते, ठंड से मोर्चा लेने वाले साजो सामान ना होते। ये दृश्य नया है क्योंकि मई से लद्दाख की पहाड़ियों पर उत्पात मचा रहे ड्रैगन को निर्णायक जवाब देने का फैसला दिल्ली में हो चुका है। भारत की एक इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। तो भरोसा रखना, अब हमारा भारत यह कमजोर भारत नहीं है, भारत का एक सशक्त नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है, फैसला लेने वाला प्रधानमंत्री। लद्दाख की धरती से जिस निर्णायक फैसले को बयां कर रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो क्या है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि सर्दियां सिर पर हैं। लद्दाख की बेजान चोटियां बर्फ की आगोश में होंगी, तापमान -30 डिग्री से नीचे पहुंचेगा। अक्टूबर के अंत से अप्रैल के महीने की शुरुआत तक इस आबोहवा के बीच इंसानों का रहना मुश्किल है। तब हिंदुस्तान के फौजी यहां डटे रहेंगे, तब इन पहाड़ियों की सर्द हवाओं के शोर को तोप के गोले बेमानी बनाएंगे। तब इन चोटियों के बीच बारूद बरसेगा। लद्दाख की यही सर्दी चीन की दुखती रग है, लिहाजा दिल्ली से मैसेज क्लियर है कि ड्रैगन की नस दबाओ, हड़प की आदि लाल सेना को सबक सिखाओ। डिफेंस की दुनिया में इस एक्शन को लिमिटेड वॉर कहते हैं, यानी आधा युद्ध। इस आधे युद्ध के जरिए ही चीन को पूरा सबक सिखाया जाएगा ताकि वो भविष्य में हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखने की गुस्ताखी ना करे। ये इसलिए भी सच है क्योंकि लद्दाख की पहाड़ियों पर गलवान कांड के बाद हिंदुस्तानी फौज की एक एक कार्रवाई चीन को मुंह तोड़ जवाब है, जिसके क्लाइमेक्स का टाइम आ चुका है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।